इसराइल पर हमास की ओर से हमला शुरू किए गए अब 10 दिन हो चुके हैं। इस हमले की वजह से इसराइल में अब तक 1400 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर किए गए पलटवार में मौतों का आंकड़ा अब 2500 के करीब पहुंच चुका है। ये स्थिति तब है जब इसराइल की ओर से गाजा पर सिर्फ हवाई हमले किए गए हैं। बताया गया है कि इजरायली सेना जल्द ही गाजा पर समुद्र और जमीनी मार्ग से भी हमला कर सकती है। इसी बीच इसराइल और हमास युद्ध के दौरान अभिनेत्री शिमोन ने भारत का धन्यवाद किया है। I feel grateful to have an ally, a beautiful ally like India. India is one of my favorite places on earth. I love its people. I can really understand why the first thing that you guys did was to condemn the horrible action of October 7th in Israel. I would expect nothing less, but I want to say with the utmost gratefulness in my heart, I think it's the best thing that you guys can do for us is condemn this horrible terror and stand by our side. उन्होंने कहा, मैं भारत जैसे महान सहयोगी देश के लिए हमेशा आभारी रहूंगी। मुझे भारत के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने 7 अक्टूबर को हुए हिंसा की निंदा क्यों की। मैं इससे कम की उम्मीद नहीं करूँगी। ये सबसे अच्छी चीज है जो आप हमारे लिए कर रहे हैं और इसी तरह हमारे साथ खड़े रहिए। इसके अलावा अभिनेत्री ने धर्म को लेकर भी अपनी बात रखी। I think if you look at religion I think religion is a beautiful thing if you make it beautiful. I think it's a human choice to use religion for the best way. I think whoever lost sight of their human spark inside of them can use religion in a very, very bad way. But I think what was shown to us on October 7th, 2023, is that Hamas is ISIS and they will not stop. इजराइल हमास युद्ध पर अभिनेत्री ने कहा, धर्म एक बहुत खूबसूरत चीज है। अगर आप इसे सुंदर बनाओ तो धर्म को सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करना एक मानवीय विकल्प है। जिनके अंदर की चिंगारी बुझ चुकी है वो धर्म को बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। 7 अक्टूबर को जो हुआ उससे यही लगता है कि हमास ISIS है और वो रुकेंगे नहीं। उन्होंने आगे कहा, इसराइल का प्रत्येक नागरिक आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाने के उद्देश्य का समर्थन करता है। हम उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अभिनेत्री ने 7 अक्टूबर को हुए हमले को याद कर कहा कि जो भी 8 दिन पहले हुआ वो एक भयानक अत्याचार था। अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बता दें कि इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल का दौरा करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि आंतरिक सूत्रों ने ये भी बताया है कि इसराइल के दौरे को लेकर अभी भी कोई चर्चा नहीं की गई है। एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा पट्टी पर लंबे समय से कब्जा करने की कोशिश पर इसराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इसराइल को लंबे समय तक गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार इसराइल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य करेगा। निर्दोष नागरिकों को दवा, पानी और भोजन पहुंचाया जाएगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।